परमवीर जी कहते हैं कि गुरुदेव आपसे जुड़कर मैं शांति से जी पाया, इसीलिए आपको सुनकर समझकर जीने की कोशिश में आनंदित हो कुछ लिखने भी लगा। आज लगता है मेरा लिखने का वो आनंदित प्रयास शायद लिखने के किसी लोभ की तरह पकड़ बना रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। परमवीर, बिल्कुल सावधान रहें, तुम अच्छा लिख रहे हो। बेशक हमारे आसपास तो कवियों की फैक्ट्री बन जाती है, ये बड़ा रोचक हिस्सा रहा है और आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे आसपास जो लोग आते हैं वो बड़े कवि और शायर बन जाते हैं। फैक्ट्री लाइन पर पता नहीं क्या मसला है या ये कौन सा एग्जिस्टेंशियल मैजिक है, और एक से एक उम्दा लिखने वाले, बहुत ही अच्छा लिखने वाले, लेकिन क्या जो मेरे पास आया और उसके भीतर से कोई भी रचनात्मक स्रोत फूटा और उसने मुझको सुना है, तो उसको जल्दी ही ये बात समझ में नहीं आ जानी चाहिए कि मैं कहाँ लिखता हूँ, ये तो अस्तित्व ही लिखता है, ये तो अस्तित्व ही हमारे माध्यम से कहता है। तो कोई पकड़ नहीं बनाओ, आया लिखा, लिखा तो उसको स्टोर भी किया, ठीक है, अच्छा है, तुम्हारे शरीर मन के माध्यम से आए, लिखो, स्टोर करो उसको, लेकिन उस पर पकड़ मत बनाओ। कभी ऐसा मत सोचो कि मैंने लिखा है, मैंने इतना विराट कुछ लिख डाला है, बड़ा कमाल का लिख डाला है, फिर मांग बनेगी, फिर कई लोग जब तुमको सुनेंगे तो उनको लगेगा नहीं नहीं भैया बहुत अच्छा लिखते हैं आप, जरा इस पर लिख दीजिए, फिर आप दुष्चक्र के शिकार बन जाए। कभी शायर ऐसे दुष्चक्र के शिकार बन जाते हैं ना, कई कभी शायर अच्छा लिखते हैं फिर लोग उनको पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं आप बहुत अच्छा लिखा, हमारी लड़की की शादी होने वाली, जरा गीत लिख दीजिए, तो लड़की की शादी का गीत, मुंडन का गीत, श्राद्ध का गीत, तेरहवीं का गीत, किसी के साहब के उद्घाटन का गीत, और कहीं कुछ मकान ढहने का गीत, और वो मतलब लिखते ही चले जाते हैं। लोगों का क्या है, लोग दबाव बनाते चले जाते हैं, कहेंगे वाह वाह क्या कमाल कर दिया। तो एक तो जो भी रचनाकार हो, कवि शायर, उसके अंदर से जो ही फूटे उसको ये तो वाह वाह वाली बात से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। जब भी कोई करे तो अंदर ऊपर इंजॉय करें, ये नहीं ऊपर ऊपर रोके, नहीं 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 सुन लें, अंदर अपने जाने कि इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, उसका है, उसने लिखाया मैंने लिखा, उसने कहाया मैंने कहा, उसने कराया मैंने किया, यानी अस्तित्व में हमारा इसमें तो कोई इतना रोल नहीं। वाह वाह करने वाले से वाह वाह कराया तो वाह वाह उसने कर दी, हमको सुनाया तो हमने सुन लिया, दैट्स ऑल। लेकिन उसमें कोई भी अपना व्यक्तिगत जोड़ ना बनाए, नहीं तो दुर्घटना हो जाती है। ना कभी टैग करें कवि और शायर की तरह। अब देखिए कृष्णा जी की इतनी सुंदर कविताएं मैं सुनाता हूँ। अब घटना कितनी विचित्र और रहस्यमय हुई, बरसों पहले की बात है, जब मेरे पास वो आई तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि कुछ आप लिखा करिए कविताएं वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे लिखना नहीं आता, मैंने कभी नहीं लिखा, कभी टूटा फूटा कुछ लिखा था। तो मैंने कहा नहीं लिखिए, आएगा। अब फिर कभी कभी गुरु के माध्यम से अस्तित्व बोल देता है, वैसे तो अक्सर ही बोल देता है लेकिन कभी कभी ही मान के चलो तो अच्छा है। अस्तित्व ने पकड़ लिया उनके शरीर मन को और उस माध्यम से कितनी खूबसूरत चीज़ें आती हैं। लेकिन क्या कभी एक बार तिनका भर भी उनके अंदर ये चीज़ किसी ने देखी कि मैंने कुछ लिखा या मैं लिखती हूँ? नेवर। मैंने पहले ही सावधान कर दिया था, ये आपका है ही नहीं कुछ, ये बस आपके माध्यम से झरेगा, उतरेगा, जैसे खिड़कियाँ खोल दो तो आसमान से जो बारिश हो रही होती है छिटक कर तुम्हारे भीतर आने लगती है, ऐसे ही ये रचनाएं भी उतरती हैं। आई, खूबसूरत आई, उनका आनंद लो, लेकिन पकड़ मत बनाओ। और किसी की मांग पर कभी मत लिखना, किसी की मांग पर मत लिखना, मांग पर सुनाना भी नहीं, नहीं तो लोग तुमको कठपुतली बना के छोड़ देंगे, फिर वो कहेंगे कि नहीं इस पर लिख दो, उस पर लिख दो। हमेशा कहो जो आया लिख दिया, जो नहीं आया नहीं लिखा। भाई वसंत आया तो वसंत में फूल खिले तो खिले ना, कभी पतझर आ जाता है, झर जाते हैं पत्ते, कुछ नहीं आता, सन्नाटा, खाली शाखें,
नंगी शाखें, सोनापन। तो हर रचनाकार के जीवन में पतझर का वक्त भी होता है जब कुछ नहीं आता। बड़े बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, वो क्रिएटिव लोग पतझर को फील करते हैं, सन्नाटा, लेकिन उनको जब पकड़ बन गई होती तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, उस समय बेचैनी होती, कुछ आ नहीं रहा, बैठे हैं टेबल पे, लिख लिख के कागज के गोले बना बना के फेंक रहे हैं कि कुछ लिख डालें, अब क्या पकड़, नहीं आया नहीं आया, खत्म बात। लेकिन हर पतझर के बाद वसंत आता, पतझर प्रक्रिया है। तो रचनात्मकता सृजनात्मकता में सन्नाटा भी एक प्रक्रिया है, खालीपन भी प्रक्रिया, हमेशा नहीं आता, आया तो अच्छा है, नहीं आया तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो तैयारी है किसी अच्छे की आने की। तो लिख रहे हो अच्छा है, उस पे पकड़, उससे सावधान रहो, ये अस्तित्व का है, उसी को समर्पित करो। Thank you.